हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग को बन रही हैं पूड़ियाँ, और ये देखिए मेरी वही वाली कढ़ाई है। तो आप लोग कमेंट मत करना कि ऐसी वाली कढ़ाई है, मैं इसी पे फ्राई करती हूँ जो भी तलने वाली चीज़ें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इस वाली कढ़ाई में। और छोटी सी भी है, ये देखिए पूड़ियाँ मेरी फूली फूली बन रही हैं। चलिए वीडियो शुरू हो गई है, छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए हमारे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, घने जंगल, पेड़ पौधे है ना, यहाँ है शुद्ध वातावरण होता है यहाँ। तो ये है हमारा छोटा सा गांव, और ये देखिए ये है लौकी की बेल, मम्मी ने लगा रखी है, इस पे लौकी लगी हुई है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि गांव में जो है ना हल्दी से हल्दी पाउडर कैसे बनाते हैं। हल्दी को बॉईल कर लिया, इसके बाद इसका पानी निकालने के बाद, पानी इसका सूख गया, उसके बाद इसको ओखल में इस तरह से दरदरा कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, तो इसको दरदरा कूटेंगे क्योंकि बॉईल हो रखी है ना, तो अच्छी तरह से ओखल में कूटी जाती है। दरदरा कूटने के बाद इसको धूप में सुखाना है एक दो दिन, और सुखाने के बाद फिर दो तीन दिन बाद इसको ले जाते हैं चक्की में, और चक्की में ले जाने से तब बनता है हल्दी पाउडर। तो ये देखिए इस तरह से इसको दरदरा कूटने के बाद इसको धूप में फैला लिया, ताकि इसमें जो गीलापन है ना वो सूख जाए, और इसको इस तरह से फैला देना है, खूब अच्छी तरह से सूख जाएगा, फिर हम इसको चक्की पे ले जाते हैं और फिर बनता है इसका हल्दी पाउडर। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना हल्दी।